हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बनाने वाले हैं दूध वाली सेवैयाँ। तो गाइस देखिए, मैंने सेवैयाँ को अच्छे से भून लिया है। और ये मार्केट वाली सेवैयाँ हैं जो कि हम मार्केट से लाए थे। और ये हम बनाने वाले हैं अपने भाई के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत दिन से ख़राब थी, तो उसे ज़्यादा है अभी, डॉक्टर ने मना किया है। तो हम गाइस यही खाना देते हैं उसे, हल्का सा दलिया सिवैयाँ ऐसी चीज़ देते हैं। और उसकी वजह से ही मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे गाइस, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और मेरा मन भी नहीं कर रहा था। और इधर देखिए, हमारी सिवैयाँ अच्छे से भुन चुकी हैं। और ऐसे ही आपको ये भुनी, और हमने इधर के साइड दूध रखा था, इसे दूध को ऐसे ही चलाना है आपको, अच्छे से उबालना। अपने अकॉर्डिंग आप दूध ले सकते हैं। मैंने लिया था इसमें 1.5 किलो दूध और हल्का सा पानी डाल लिया था मैंने इसमें। और देखिए गाइस, हम इसे दूध को अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही कम गैस करके। और इधर हमारा दूध उबल रहा है, तो आप देख सकते हैं। आपको ज़्यादा नहीं उबालना, मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, नॉर्मल रखना है। जैसा आप दूध पीते हैं ऐसे ही आपको इसे गर्म करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना आपको। और हम इधर की साइड अब दूसरा काम करने के लिए लग जाएंगे, क्योंकि गाइस मैं ही बना रही थी तो इसमें सारा काम मुझे ही करना पड़ा। तो सारा अब देखिए, हम दूध को अच्छे से उबालेंगे। इधर की साइड मम्मी रोटियां बना रही थी और मैं सेवैयाँ। तो गाइस देखिए, हमारा दूध अच्छे से उबल रहा है। और ऐसे ही दूध को उबालना है। और हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए थे, जो कि हमने देखिए गाइस एक काट कर लिए हैं। और मैं आपको बताऊंगी आगे कि कैसे आपको ये कट करने हैं। तो गाइस उसी हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा था और उस एक हाथ से हम काट रहे थे। तो गाइस देखिए, टेढ़े मेढ़े कट चुके हैं ये, जैसे भी काटे मैंने। देखिए इधर ये कट नहीं रहा था, फिर भी मैंने कोशिश करी तो ये कट चुका है। देखिए गाइस, हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे। और इधर की साइड हम काट रहे हैं, बट कट गए थे, टेढ़े मेढ़े जैसे भी कटे थे काट लिए थे मैंने। तो ये आपको काटना है। तो गाइस देखिए, हमने जो भी ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मेरे पास ये थे तो मैंने ये डाल दिए थे। देखिए गाइस, ये इधर उधर भाग रहे थे तो उसके लिए। और इधर किशमिश थी मेरे पास, जो मैंने वॉश करके रख ली थी। आप जो भी अपने ड्राई फ्रूट्स हैं ऐसे रख सकते हैं। और जब आपकी सेवैयाँ बन के रेडी हो जाएं, आप बस डाल दें। ये सेवैयाँ बन के रेडी हो चुकी हैं हमारी, और मैंने ये बस डाल दें। और आपको ना एक काम करना है, इसमें चीनी मतलब आप पहले भी डाल सकते हैं, बट जो आपकी चीनी रहेगी ना वो आपको बनने के बाद ही डालनी है। इसमें साथ के साथ चीनी नहीं डालनी, क्योंकि उसकी वजह से ये दूध फट जाता है। और हमें ना मतलब फटा हुआ दूध अच्छा नहीं लगता, तो उसकी वजह से हम चीनी बाद में ही गिरते हैं। तो आप ये गलती कभी ना करें कि आप बनते हुए उसे सेवैयों को में मतलब चीनी डालें। आपको जब ये बन जाएगी ना, उसके थोड़ी देर बाद ही अपनी जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप मीठा खाते हैं उतनी चीनी आपको डाल देनी है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मैं डेली ऐसे ही आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लाती रहूँगी। गाइस देखिए कितनी अच्छी लगती हैं, और आप भी ऐसे ही बनाइए और मुझे कमेंट करिए किस किस ने अपने घर में ऐसी ही सेवैयाँ बनाई हैं और खाई है। गाइस काफ़ी अम्मी लगती थी जो कि मैंने खाई हैं अभी ब्रेकफास्ट में सुबह ही। तो गाइस देखिए, ओके बाय। अब हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग